नमस्कार मित्रों, एशिया नेट के दर्शकों, आज का जो मैच भारत ने जीता है, आज का वैसे ही बहुत शुभ दिन, वसंत पंचमी का दिन, और भारत ने एक धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए जता दिया कि वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में वो अभी भी दौड़ में बने हुए, और इस जीत के साथ भारत आ गया नंबर 2 पोजीशन पे वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग की, जहाँ तक पॉइंट अंक तालिका है। सबसे पहले मैच के फैक्टर्स की बात करें तो कोई एक कारण हम नहीं कह सकते जो मैच के सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहले मैच में टॉस बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विकेट 2 दिन अलग स्वभाव से खेला और बाकी 3 दिन अलग स्वभाव से। लेकिन इस मैच में, चेन्नई का सेकंड टेस्ट मैच में, विकेट ने पहले घंटे से ही जो घूमना शुरू किया, तो अंत तक विकेट वैसे ही घूमा, टर्न बाउंस, शार्प टर्न और बाउंस मिला पहले दिन से ही। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉस जीतना था, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर इस मैच में नहीं था। रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी है, 160 प्लस से बड़ा जो स्कोर बनाया, वो एक बहुत ही बड़ा अचीव हुआ। जब भारतीय टीम ने 300 का रन का आंकड़ा पार कर लिया इस विकेट पे, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बड़ा स्कोर हो गया, एट पार स्कोर हो गया। और हमने देखा कि उसके बाद वैसी परफॉर्मेंस दूसरी कोई भी अंग्रेजी बल्लेबाज नहीं कर पाए। रोहित शर्मा की पहले इनिंग में बैटिंग हो, सेकेंड इनिंग में अश्विन की गेंदबाजी हो, सेकेंड इनिंग जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी तो अश्विन की बल्लेबाजी से इतना दूर ले गए वो बैटिंग करते हुए। विराट कोहली ने भी अच्छा साथ दिया, पर अश्विन ने नंबर 8 पे आके जो शतक जड़ा है, उसने इंग्लैंड को एकदम मैच से बाहर कर दिया। और दूसरी पारी में जो अक्षर पटेल की बॉलिंग रही, या विकेट में इतना वेयर एंड टेयर हो गया था कि हर स्पिनर का कहते हैं ना कि उंगलियां ललचारियों की आए और उस पर बॉल फेंके। तो मेरे हिसाब से 3 फैक्टर्स मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सबसे पहले टॉस, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि विकेट ने पहले दिन से घुमाव लिया। उसके बाद रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी, अश्विन की गेंदबाजी, और फिर अश्विन की जो बल्लेबाजी रही, वो इस मैच में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हुई। तो भारतीय टीम को बहुत बहुत जीत की बधाई, और भारतीय टीम ने एक इतिहास रचते हुए वापसी करी है। और देखना होगा कि अगले 2 मैचों में टॉस की भूमिका निभाता है। पर बहुत बहुत भारतीय टीम को बधाई, और आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।